और एक और बात बता दूँ आपको कि जिनको आप भगवान कहने की प्रयास कर रहे हैं, संत रामपाल जी को या कबीर जी को, पहले भगवान के नाम की परिभाषा आपको नहीं पता है। विजय शर्मा जी, आपने भगवान की जो परिभाषा पूछी है, हमारे शब्दों में भगवान की परिभाषा ये है, वेदों में ये लिखा है कि परमात्मा साकार है, सदृश्य है, वो जब भी अवतार आते हैं सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। आप अपना कबीर साहब का इतिहास उठा के देख लीजिए, लहरतारा तालाब के अंदर सुबह सुबह परमात्मा सहशरीर आए थे, जब वो गए थे तो मगर के अंदर सहशरीर गए थे, तो वो पूर्ण परमात्मा है। आप अगर कहते हो कि कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा है तो वो माँ की कोख से जन्म हुआ था, आप अगर माँ की कोख से, या तो वेद गलत हो जाते हैं फिर या बात गलत हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। बाइबल, बाइबल में भी प्रमाण है। उत्पत्ति ग्रंथ पेज नंबर 2 पर 1:20 और 2:5 में आप देखें क्या लिखा है जरा। इसके अलावा कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52-58 में क्या लिखा है पढ़े जरा। गुरु ग्रंथ साहिब में महला नंबर 1 के प्रश्न नंबर 721 पे क्या लिखा है वो भी देखें। इसके अलावा वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 18 और 19 में क्या लिखा है देखें जरा। उन सब में प्रमाण है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज अल्लाह, कबीर इज भगवान। कबीर इज गॉड, यस, कबीर इज गॉड। कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करने से मोक्ष मिल सकता है, ना कि कृष्ण जी की। कृष्ण जी कंप्लीट गॉड नहीं है, सच्चाई से काफी दूर थे। सदगुरु रामपाल जी ने हमें ये बताया कि वास्तविक परमात्मा कौन है, और ये सब वेदों शास्त्रों में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सभी में प्रमाण। हम पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न युग में रह रहे हैं, सब बातें समझते हैं, हम कोई बच्चे नहीं जो हमें कोई बहका दे। हमने सब प्रमाण देखे हैं, मिलाए हैं, मंत्रों को मिलाया है जो सदगुरु रामपाल जी हमें प्रदान करते हैं। उन मंत्रों को हमने गुरु ग्रंथ साहिब में मिलाया, पिछले संतों के अनुभवों को मिलाया, किन किन संतों को ये मंत्र मिले हैं उनसे मेच किया, किताबों में लिखा होता है, हम उसे भी यकीन करते हैं। तो कबीर जी भगवान है ये बात हम आँख मीच के नहीं बोलते हैं। आप अपने चार वेद उठा के देखिए, अगर आपने कभी पढ़े हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कबीर ही भगवान है। पवित्र गीता जी में भी लिखा है, और क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, इसलिए आप चार धर्मों के पवित्र ग्रंथों को उठा के देख लीजिए। जैसे कि आप गुरु ग्रंथ साहिब उठा के देखिए, उसमें प्रश्न नंबर 721 पर साफ साफ लिखा है कि वो हक्का कबीर है, यानी कबीर ही भगवान है। ऐसे ही आप पवित्र कुरान उठा के देखिए, उसमें भी सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में साफ साफ लिखा है कि वो अल्लाह ताला कबीर है।